फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको पियानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बैनमूसा ने अलन साडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मॉरीन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीरिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जैसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डनमैन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का केज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज़ की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रेपन एक सौ मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस लॉ स्प्लीजमैन का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसिनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैमुअल सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का कैरेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराइक स्प्ली सजप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का कैरेक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैडी स्लॉ स्लिप स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट आव, डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द पियानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बैनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेस देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मॉरीन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीरिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वॉजकेज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डबड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन एक सौ बीस मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस प्लेज का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसिनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रांक फिनले है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का कैरेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराकमैन का कैरेक्टर निभाया जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का कैरेक्टर निभाया है जेसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैड स्लिप मै स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल दो में रिलीज हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको दिया द प्यानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आप को देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन साडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मोरिन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीलिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वोजकेज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज़ की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन एक बीस मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस लॉस स्प्लिजमैन का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलियम हॉसिनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैमुअल सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का कैरेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराइक स्प्ली सजमैन का कैरेक्टर निभाया है जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का करैक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सिप्लीम का करैक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का करैक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैडिस्लॉ स्लॉ स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट आव, डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही दो हज़ार दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको दया द मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने तो बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मोरिन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीलिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वोजकेज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज की बात की जाए तो यह, यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियनिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डवड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रेप्शन एक सौ मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस लॉस प्लिजमैन का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैम्यूल सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेम का कैरेक्टर निभाया है एमिलिया फॉक्स ने डोरोटो का कैरेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराइक राय सप्लीमैन का कैरेक्टर निभाया जूलिया राइनर ने रेजिना सप्लीम का कैरेक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैडी स्कलिप मै स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये जरूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप Netflix के ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द पियानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे बज़े में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आप को देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलांस्की ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान प्लान्सकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द प्यनिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मॉरीन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीरिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जैसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वॉजकेज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन एक सौ मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस लॉ का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसिनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैमुअल सजिप्लेमैन Sig... का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का करैक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराक स्प्ली सजप्लिमैन का कैरेक्टर निभाया है जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का कैरेक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाईबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी यह मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी and work a bloody slow slipper man uh, slipper man ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओल टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको दया द मूवी में देखने को मिलेंगे किन्नोंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मॉरीन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीरिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टोपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जैसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डनमैन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का केज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज़ की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रेक्शन एक सौ मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस प्लेज मैन का करेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलियम हॉसिनफेल्ड का करेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सजिप्लेमैन का करैक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का करेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का करेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हनराइकमैन का कैरेक्टर निभाया जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम मैन का कैरेक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम मैन का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैडिस स्लिपमैन स्लिपमैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओल टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द पियानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मोरिन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीरिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वॉजकेज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन एक सौ बीस मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस लॉ का करैक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसिनफेल्ड का करैक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैमुअल सजिप्लेमैन का करैक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का करैक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का करैक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराक स्प्ली सज्लिमैन का कैरेक्टर निभाया है जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का कैरेक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी यह मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी And wovoker bladyslaw, slipper Man uh, slipper Man. ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये जरूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल दो में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द पियानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान प्लानी ने रॉबर्ट बैनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मॉरीन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीलिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जैसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूस ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वॉज़केज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज़ की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन एक मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस लॉस प्लेज का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलियम हॉसनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का कैरेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराइकिन का कैरेक्टर निभाया है जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का करैक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सिप्लीम का करैक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का करैक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैड स्कलिप मै स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही दो हज़ार दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द पियानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मोरिन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीरिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वॉजकेज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डवड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रेपन एक सौ बीस मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडी स्लॉ का करैक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसिनफेल्ड का करैक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैमुअल सजिप्लेमैन का करैक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिपलेमैन का करैक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का करैक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हनराइक स्प्ली सजप्लिमैन का कैरेक्टर निभाया है जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का करैक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम का करैक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का करैक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैडी स्कलिप मै स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये जरूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलांस्की ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बैनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेस देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मॉरीन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीरिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का केज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन एक सौ मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडी स्लॉस प्लेज का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलियम हॉसनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का कैरेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराइकैन का कैरेक्टर निभाया है जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का कैरेक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सिप्लीम का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैड स्किलिप मै स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द प्यानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे तो में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द पियानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्ों ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्हाँ ने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आप को देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलांस्की ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन साडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेस देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मॉरीन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीलिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डनमैन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का केज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज़ की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रेपन एक सौ मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस लॉस स्प्लिजमैन का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसिनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैमुअल सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का कैरेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराइक स्प्ली सजप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम मैन का कैरेक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम मैन का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाईबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी यह मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी and work a bloody slow slipper man uh, slipper man ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द पियानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो so सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बैनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेस देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मॉरीन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीरिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वॉजकेज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डबड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन एक सौ बीस मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस प्लेज का करेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसिनफेल्ड का करेक्टर निभाया है फ्रांक फिनले है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का करेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का करेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराइकैन का कैरेक्टर निभाया जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का कैरेक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैड स्लिप मै स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द पियानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आप को देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन साडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मोरिन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीलिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूस ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वोजकेज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन एक बीस मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस लॉस स्प्लिजमैन का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलियम हॉसिनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैमुअल सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का कैरेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराइक स्प्ली सजमैन का कैरेक्टर निभाया है जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का करैक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सिप्लीम का करैक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का करैक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द प्यनेस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैडिस्लॉ स्लॉ स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही दो हज़ार दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको दया द मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मोरिन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीलिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनावाइटोग्राफी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वॉजकेज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज की बात की जाए तो यह, यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियनिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डवड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रेपन एक सौ मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी and ने ब्लैडिस लॉस प्लिजमैन का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैम्यूल सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमिलिया फॉक्स ने डोरोटो का कैरेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराइक राय सप्लीमैन का कैरेक्टर निभाया जूलिया राइनर ने रेजिना सप्लीम का कैरेक्टर निभाया जेसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द प्यनिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैडी स्कलिप मै स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये जरूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप Netflix के ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल दो में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको दया द प्यनिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो में, फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान प्लांस्की ने रॉबर्ट बैनमूसा ने अलन सार्डे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ़्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मॉरीन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीरिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टोपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जैसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनवाइटोग्राफी की है द प्यनिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वॉज केज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 25 सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज़ की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन एक सौ मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस लॉ का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसिनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैमुअल सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का करैक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराक स्पली सज्लिमैन का कैरेक्टर निभाया है जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का कैरेक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाईबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी यह मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैडी स्लॉ स्लिप स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये जरूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट आव, डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो so आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द प्यानेस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल दो दो में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहां पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको दया द मूवी में देखने को मिलेंगे किन्नोंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मॉरीन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीरिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जैसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डनमैन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का केज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज़ की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रेक्शन एक सौ मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस प्लेज मैन का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलियम हॉसिनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का करेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हनराइकमैन का कैरेक्टर निभाया जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम मैन का कैरेक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम मैन का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैडिस स्कलिप स्लिपमैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओल टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द पियानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मोरिन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीरिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वॉजकेज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन एक सौ बीस मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस लॉ का करैक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसिनफेल्ड का करैक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैमुअल सजिप्लेमैन का करैक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का करैक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का करैक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराक स्प्ली सज्लिमैन का कैरेक्टर निभाया है जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का कैरेक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी यह मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी And wovoker, bladyslaw, slipper Man S uh, slippper ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये जरूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल दो में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बैनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेस देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मोरिन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीरिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज़ ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वॉज़केज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 25 सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज़ की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन एक मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस लॉस प्लेज का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलियम हॉसिनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का कैरेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराइकिन का कैरेक्टर निभाया है जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का करैक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सिप्लीम का करैक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का करैक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैड स्कलिप मै स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस, इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही दो हज़ार दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द पियानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलांस्की ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन साडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मोरिन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीरिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वॉजकेज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डवड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रेपन एक सौ बीस मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडी स्लॉ का करैक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसिनफेल्ड का करैक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैमुअल सजिप्लेमैन का करैक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का करैक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का करैक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हनराइक स्प्ली सजप्लिमैन का कैरेक्टर निभाया है जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का करैक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम का करैक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का करैक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैडी स्कलिप मै स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये जरूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप Netflix के ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल दो में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बैनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेस देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मॉरीन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीरिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का केज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज़ की बात की जाए तो यह, यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डवड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन एक सौ बीस मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडी स्लॉसप्लीजमैन का करैक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसनफेल्ड का करैक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैम्यूल सजिप्लेमैन का करैक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का करैक्टर निभाया है एमिलिया फॉक्स ने डोरोटो का करैक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराइक सप्ली सप्लीम मैन का कैरेक्टर निभाया जूलिया राइनर ने रेजिना सिप्लीम का कैरेक्टर निभाया है जैसिका केट मयर ने हेलिना सप्लीम का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैड स्किलिप मै स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द प्यानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द पियानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्ों ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्हाँ ने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आप को देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन साडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेस देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मोरिन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीलिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डनमैन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का केज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज़ की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रेपन एक सौ मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस लॉ स्प्लिजमैन का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसिनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैमुअल सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का कैरेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराइक स्प्ली सजप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम मैन का कैरेक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम मैन का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाईबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी यह मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी and work a bloody slow slipper man uh, slipper man Osionfish. ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो so, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो so, अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द पियानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बैनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेस देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मॉरीन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीलिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वॉजकेज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डबड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन एक सौ बीस मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस प्लेज का करेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलम हॉसिनफेल्ड का करेक्टर निभाया है फ्रांक फिनले है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का करेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का करेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराकमैन का कैरेक्टर निभाया जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का कैरेक्टर निभाया है जेसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम का कैरेक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैड स्लिप मै स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही 2002 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको द पियानिस्ट मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आप को देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन साडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मोरिन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीलिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूस ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वोजकेज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज़ की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन एक मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस लॉस स्प्लिजमैन का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलियम हॉसिनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैमुअल सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का कैरेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराइक स्प्ली सजमैन का कैरेक्टर निभाया है जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का करैक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सिप्लीम का करैक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का करैक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैडिस्लॉ स्लॉ स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये ज़रूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले है, हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट अव... डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज़ हुई मूवी द पियानिस्ट के बारे में पियानिस्ट मूवी बड़े ही दो, दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हिट मूवी था साल 2002 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द पियानिस्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें इस मूवी में आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको दया द मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में दया द पियानिस्ट मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो में फुल डिटेल में द पियानिस्ट मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया है रोमान पोलान्सकी ने स्क्रीन प्ले भी लिखा है द पियानिस्ट मूवी का रोनाल्ड हारवुड ने और प्रोड्यूस किया है द पियानिस्ट मूवी को रोमान पलांसकी ने रॉबर्ट बनमूसा ने अलन सारडे ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एड्रियन ब्रूडी देखने को मिलेंगे उसके आगे थॉमस क्रेसमैन देखने को मिलेंगे फ्रैंक फिनले देखने को मिलेंगे मोरिन लिपमैन देखने को मिलेंगे अमीलिया फॉक्स देखने को मिलेंगे एड स्टॉपार्ड देखने को मिलेंगे जूलिया रैनर देखने को मिलेंगे एंड जेसिका केट मेयर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की है द पियानिस्ट मूवी में पावेल एल्डन मैन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को हैरवे डे लूज ने म्यूजिक किया है द पियानिस्ट मूवी का वोजकेज काइलर ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के कैनल प्लस स्टूडियो बावेल्स वर्ग स्टूडियो कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द पियानिस्ट मूवी को पैथ डिस्ट्रीब्यूशन ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का पच्चीस सितंबर 2002 एंड रनिंग टाइम है द पियानिस्ट मूवी का 150 मिनट्स एंड कंट्रीज की बात की जाए तो यह मूवी फ्रांस में जर्मनी में पोलैंड में एंड यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिलेगी एंड डव्ड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बजट की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी का बजट थर्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन एक सौ बीस मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर एंड्रियन ब्रूडी ने ब्लैडिस प्लेज मैन का कैरेक्टर निभाया है थॉमस क्रैचमैन ने कैप्टन विलियम हॉसिनफेल्ड का कैरेक्टर निभाया है फ्रैंक फिनले ने सैम्यूलैन का कैरेक्टर निभाया है मॉरीन लिपमैन ने एडवाडा सजिप्लेमैन का कैरेक्टर निभाया है एमलिया फॉक्स ने डोरोटो का कैरेक्टर निभाया है एड स्टॉपार्ड ने हेनराइकमैन का कैरेक्टर निभाया जूलिया राइनर ने रेजीना सिप्लीम का करैक्टर निभाया है जैसिका केट मेयर ने हेलिना सप्लीम का करैक्टर निभाया है रॉनर बाइबर्ट ने एंड्रेज बोगुची का करैक्टर निभाया है उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द पियानिस्ट मूवी एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी है यह मूवी लिखी ये मूवी ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है द एक बुक के ऊपर लिखी गई है द पियानिस्ट उस बुक का नाम था जो कि 1946 में आई थी एंड वो बुक ब्लैडी स्कलिप मै स्लिप मैन ने लिखी थी काफ़ी अच्छी मूवी है ये जरूर से देखनी चाहिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं यह मूवी बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का मिला है बेस्ट एक्टर का ब्रूडी को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है एंड बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इस मूवी को मिले हैं सो आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा मूवी है काफ़ी बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द पियानिस्ट मूवी देखने को मिलेगी यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना